मैं शायान और आप देख रहे हैं सिद्धरा रज चैनल असल मेरी तरफ से भी एंट्रे आई एम गोइंग अगैन विद यू ऑन अ जर्नी जहाँ पर हम कुछ नए वर्ड्स सीखने वाले हैं अगैन एंड अगैन आई एम जोर स्टेलिंग यू दट आई एम मेकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जर्नी एंड हो रहा है या हम कुछ मतलब बस इतना ही इंग्लिश है नहीं इंग्लिश बहुत फास्ट है ये सिर्फ हेलो हाई हो रही है हमारी इंग्लिश के साथ अभी हमने इंग्लिश प्रॉपरली सीखना शुरू भी नहीं किया बिकॉज एग्जैक्टली वेर आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश दैट वुड बी स्टार्टिंग एट अ पॉइंट जहाँ से हम सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे वहाँ से आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी बोलना अभी सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कॉन्सेप्ट जो कि ब्रेन में आते हैं दिमाग में आते हैं जैसे हम छोटी छोटी चीजों का नॉलेज लेते हुए यहां तक पहुंचते हैं बिल्कुल ऐसे ही। लफ्सों का नॉलेज ले रहे हैं हम यस एंड आर यू एंजॉइंग विद मी इन माई क्लासेस क्योंकि मैं डिसेंट होता जा रहा हूँ चल बेटा पढ़े सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टी एच आई ओ एन शन वर्ड्स टी एच आई ओ एन जब भी इकट्ठा आएगा इसका साउंड होगा शन जरूरी नहीं टी है वर्ड है ठीक है सॉरी सिर्फ ये साउंड है इसमें साइलेंट साइलेंट को कुछ भी डिस्कस मत करो सिर्फ टी आई ओ एन जब भी हम पढ़ेंगे इसका होगा साउंड शन लेकिन जरूरी नहीं जब भी मैं आपको ये कि इट हैपन्स दैट डज मीन दैट इट ऑलवेज बी Different in some other cases, so today we are just going to read shun words. Shun words, peliam nish sound kya wai that was s and h. Wush tha ye ti one hai ti one ki awa se shun. Let's get started. First word is re -a re re lay shun. शन दैट मींस रिलेशन रिलेशन का मतलब है मुझे क्या पता वट इज योर रिलेशन विद मी लव तो रिलेशन क्या हुआ लव रिश्ता रिश्ता गेट इट ना द सेकेंड वर्ड इज ए रन परफेक्शन परफेक्शन मीन्स Make it you perfect. That means perfection. Perfect. Perfection means all good, well, perfection, best. Get it? समझ में respond corona Now this is I. N. In means in in, in v, I, v, t, at, invitation. Invitation. That means. Kisiko invitation dena, bulana, get it? Invitation. Invitation means kisiko. bulana. Now the next word is emotion. E means a sometimes it sounds e sometimes it doesn't sound. So here it is making a sound. E-M-O, E-M-O-tion, emotion. इमोशन का क्या मतलब है I don't know. ये देखो ये एक इमोशन है ये क्या है वीपिंग सैड वीपिंग इमोशन ये देखो ये मेरे इमोशंस है हैप्पीनेस अभी मौसम अच्छा मैं करूँगी इमोशंस का मतलब होता है जज्बात जैसे मैं बाबा को नहीं कहती जज्बे देखो अपने इमोशन देखो हाँ जज्बे मींस कैसे जज्बात हैं हमारे हम क्या कैसा फील कर रहे हैं क्या रिएक्ट करेंगे डेट Forum se mujhe bata karo. Jabai, when I say get it, you will say yes. Okay? Now, this is pr -r -a -k -a -a -kaw. Pre -kaw means precaution. 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 What does it mean? It is written on the roads when we are going on the टैंकर्स जिनके पीछे लिखा होता है खतरा प्रिकॉशन एहतियात कीजिए प्रिकॉशन का मतलब एहतियात करना टैंकर के पीछे क्या खतरा होता है खतरा ये होता है कि उसके अंदर ऑयल होता है ना तो अगर आप उसके पास जाएंगे तो कोई भी सिगरेट का अगर एक इतना सा भी कोना या कोई भी फायर उसको लग गया तो इट वुड बी ब्लास्टिंग तो आप खतरे में टैंकर के पास से नहीं गुजरते गेट इट जिसके पीछे लिखा होता है खतरा डेंजर उसके ऊपर प्रिकॉशन भी लिखा होता है समझ में आई बात हंसो ना mm. समझ में बात नाउ दिस इज नेशन दैट मींस बताओ नेशन क्या होती है आई uh, कॉम, oh. कॉम हम एक नेशन है री मीन्स ए क्र आ, आ, यहां पर ये या का साउंड करेगा क्रिएशन क्रिएशन दैट मींस क्रिएशन क्या होता है क्रिएशन का मतलब क्रिएशन का मतलब क्रिएट करना मैं कहती ना क्रिएट करो क्या मतलब है पैदा करना क्रिएशन पैदाइश ये सारी क्रिएशन वर्ल्ड की किसकी है हमारी अल्लाह की बेटा तो क्रिएशन जो आपकी है वो ये है कि आप क्या बनते हो अल्लाह ने आपको तो जो बनाना था वो बना दिया अब इसके ऊपर क्रिएट करना है आपने बेटा गेट इट थैंक यू Oh अच्छा अच्छा ठीक वर्ड्स अच्छा है देखते हैं इनमें क्या है ऐसे हमारे साथ भी होता जब हम स्कूल टाइम में होते थे एकदम हंसी आने लगती थी फिर वो हंसी बंद ही नहीं होती थी <laughs> शायन को भी ऐसे हो है बिहेव शायम डब्ल्यू एच साउंड बट दैट डजेंट मीन दैट इट जस्ट साउंड वह इट साउंड ऑल्सो देखते हैं कैसे डब्ल्यू एच वो साइलेंट कर दिया ई को लेकिन इज साइलेंट इन हेयर टी की आवाज नहीं आएगी whistle. Whistle means ऐसे <laughs> नहीं ऐसे नहीं आती तुम्हें नाउ वी आर डूइंग W H दैट इज ए ने साउंड अपना फिनिश कर दिया और बाकी वर्ड को लटा दिया वेल 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 क्या होती है शान hmm? हम्म वो पढ़ो ये वेल क्या होती है वे फिश सबसे फिश। बड़ी फिश इतनी बड़ी, से भी बड़ी हाँ जी डब्ल्यू एच वीन्स पढ़ो इसे विस्पर विस्पर मीन्स झाड़ू नहीं ये जो अभी आपने किया ना दिस इज विस्पर ब्रूम होता है झाड़ू ये विस्पर है। विस्पर का मतलब है सरगोशी करना आता में बात करना लाइक like था अपने Whisper. Whisper uh, नहीं हाँ ऐसे विस्पर करना Now, वो वाइट वाइट आई नीन्स रियलीस ओके आई विल डब्लू H I T E. Yes, it is not I. It is I. I white. W A R A. E ने अपना sound एंड पे आके खत्म कर दिया. Where? Where? Where means? Where? Where means? I don't know. कहाँ बेटा? कहाँ? कहाँ? Yes. W At What? What means? Hmm, क्या? क्या? अब यहां पे देखें वो ओ, स, आ, ए ने एंड पे आके अपना साउंड फिनिश कर दिया बना दिया हुज दिस इज किसका ये किसका पेन है यू गेट इट दिस इज दिस यस दिस यू गेट इट दिस इज योर यस दिस इज योर्स अब हम जो करने लगे हैं वो है दो लेटर्स जो जब कंबाइन होते हैं तो साउंड हो जाता है जी और एच वन जी एंड एच कम टूगेदर दे मेक अ साउंड ऑफ फ की तो आवाज़ आ रही है तो नहीं बेटा यही तो बात है जब जी और एच अकट है और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हो आ, कई बार ये कोई साउंड नहीं बनाते जैसे एक वर्ड है दो टी एच ओ यू जी एच दो ये भी एक वर्ड है लेकिन ये थोड़ा सा हायर इंग्लिश है इसलिए मैंने आपके साथ फिलहाल डिस्कस नहीं किया लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ जी एच का साउंड डिस्कस कर रहे हैं ठीक है यू गेट इट जी एच मेक एम की नहीं है यस रफ अ जब भी अ दरमियान में आएगा तो कभी कभी प्रोनाउंस करता है हमेशा नहीं करता रो रफ रफ मतलब है फालतू फालतू, गंदा। नाउ दिस इज साउंड नहीं आएगा लाफ लाफ मीन्स दिस इज लाफ नाउ दिस इज टफ टफ मीन्स आई डों टफ These questions are very tough I cannot solve them. What does it mean? question these questions are very tough. I cannot solve them get it this is tough ma'am yeah I cannot solve this question yes.

<laughs> बेटा खांसी कफ खांसी का सिरप कफ सिरप थैंक यू सो मच और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें ओके थैंक यू सो मच थैंक यू शान थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज